आज फिर अपने एक नई सुबह की शुरुआत आपने कबूतरों के साथ में दाना खिलाते हुए, और आज कबूतर खोल दिए हैं मगर थोड़ा सा लेट खोले हैं क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है और ठंड ज़्यादा है, तो इस कारण कबूतरों को लेट खोला है। और आप देख सकते हैं ये वो कबूतर है जो मैं संडे की मार्केट से लेके आया था, और अब तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है क्योंकि मैंने इसको कचौड़ा लगा दिया है इस माती से कचौड़ा लगा दिया दोस्तों। और देख सकते हैं कबूतर बहुत बढ़िया है, सारे कबूतर बाहर निकल गए, तो अब इनको मैं दाना डालने जा रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, मैं दाना डाल दूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इनको दाना डाल दिया, अब सारे कबूतर दाना खा रहे हैं, और अब तो फिर भी कबूतर पहले से बेटर है और दाना भी चुनने लगे हैं, इनको सूखे की बीमारी मेरे दूर हो चुकी है पहले से। कबूतर यह है कि टाइम टेबल से खुल भी रहे हैं, तो अब इनकी देख रेख अच्छी हो पा रही है। और अब मैंने कुछ दिन तक कबूतर उड़ाया था मगर अब उड़ाना बंद कर दिया है क्योंकि मौसम ख़राब है, मौसम ख़राब होने के कारण कबूतर आसमान में जब चला जाता है तो लौट के वापस नहीं आता है क्योंकि कोहरा इतना हो रहा है कि कबूतर अगर आपने उड़ा दिया तो आसमान में जाने के बाद वो लौट के नहीं आ पाता है क्योंकि कोहरे में कहीं लंबा चला जाता है, इसलिए हमने दोस्तों उड़ाना बंद कर दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि अपन उड़ाएँ उनको बैठें, क्योंकि टाइम मैं उतना ही दे पाता हूँ एक घंटे का कि उनको दाना ना खिला के पानी वानी दे के और फिर अपने काम से निकल जाऊँ। दोस्तों आज कबूतर मैंने सुबह खोल दिए, और देख सकते हैं साथ दोस्तों धूप ही नहीं है, चारों तरफ कोहरा है, और कोहरे के कारण कबूतर थोड़ा सा फूल के बैठ रहे हैं, सर्दी ज़्यादा है आज, और इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आज इनको दाना खिला के एक घंटा खोल के और बंद कर दिया है क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं मेरे यहाँ कबूतरों के, तो अगर जाल खुला रह जाता है तो ठंडी हवा अंदर जाती है तो बच्चे भी ठंड के मारे सुखड़ने लगते हैं, तो इसलिए मैंने इनको सोच लिया कि अभी आज इनको दाना खिला के और जल्दी से जल्दी बंद कर दूँगा क्योंकि एक मौसम थोड़ा सा ख़राब है, हो सकता है कि बारिश भी हो, तो इस कारण मैं इनको जल्दी बंद करूँगा, तो खोलूँगा अभी जाल से क्योंकि बारिश में ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इनको जल्दी बंद कर दिया जाए और फिर देखते हैं कि शाम को अगर मौसम ठीक रहा तो शाम को खोलेंगे, नहीं तो अगले दिन नेक्स्ट टाइम खोलेंगे। और बाकी इनका दाना पानी अपन इसके अंदर रख ही देते हैं, ये देख सकते हैं मैंने ये बना रखा है इनको दाना पानी के लिए, तो इसमें मैं दाना पानी रख देता हूँ। और अब दाना पानी मैंने अभी आज फिलहाल बाहर चुनाया है, जब मैं जहाँ से काम अपने काम से जाऊँगा तो दाना पानी सब उसमें रख के जाऊँगा तसले में, तो ये कि दिन भर चुनते रहेंगे तो मुझे टेंशन नहीं है दाना पानी की, पानी भी इकट्ठा स्टोर कर देता हूँ, दाना भी इकट्ठा स्टोर कर देता हूँ, तो दाना उसके अंदर चुनते रहते हैं, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं। दोस्तों अगर आप भी अगर कबूतर पालते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कीजिए दोस्तों कि उनको दाना पानी आप भर के जाएँ इकट्ठा, तो उनका दाना पानी चलता रहे, मतलब आपको टेंशन ना हो दाना पानी खिलाने की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना मेरे भी कबूतर दिन भर बंद रहते हैं और बस मैं इसके अंदर बंद करके चला जाता हूँ, तो शाम तक बंद रहते हैं और शाम तक बंद रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना बाहर निकले दाना पानी खाया और बैठ गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये कबूतरी उस नए कबूतर जंग में जोड़ा डाला है मैंने जो मैं मार्केट से लेके आया था,